अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेस विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं रवा बेसन लड्डू। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप बेसन लेंगे, 3/4 कप शक्कर लेना है, 1 कप बारीक रवा लेंगे, 1/2 कप घी लेंगे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 कप से भी कम हमें पानी लेना है, 1/2 क्वांटिटी का घी हमें पैन में डालेंगे और 1/2 हम साइड में रखेंगे। इसके अंदर रवा डालना है। पहले हम रवे को भूनेंगे, इसके बाद बेसन को भूनना है। लो फ्लेम पे इसे हम 15 मिनट के लिए भून लेंगे। कंटिन्यूसली आपको चम्मच चलाते हुए इसे भूनना है। जब रवे में से आपको खुशबू आने लगी, यानी कि ये भून चुका है, रिमेनिंग ही अब पैन में डाल के बेसन डालेंगे। इसे भी हम भून लेंगे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। कंटिन्यूसली आपको चम्मच चलाते हुए इसे भूनना है। बेसन का कलर चेंज होने नहीं देना है, आपको उसका ध्यान देना है। बेसन भून चुका है, अब ये रोस्टेड बेसन को हम रवे में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डालें इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे हम दूसरे प्लेट में निकालेंगे, पैन में नहीं रखना है। एक पैन में हम शक्कर डालेंगे, पानी डालना है। पानी हम 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम लेंगे। शक्कर मेल्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। जब इसे एक तार की कंसिस्टेंसी आप इसे इस तरह से चेक कर लेंगे, यानी कि तैयार है। गैस को बंद कर लें। बेसन और रवे का मिक्सचर इसके अंदर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। ढककर इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लें, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप इसके अंदर। लड्डू बना लेंगे हम। अगर आपको मिक्सचर ड्राई लग रहा है तो इसको घी डाल के बना सकते हैं। बेसन रवा लड्डू तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।